साइकोलॉजी के अनुसार आपने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया है, तो यह भी ध्यान रखें कि अलार्म बजते ही मात्र 5 सेकंड में आपको उठ जाना है, वरना आप दोबारा सो जाएंगे, क्योंकि रात में नींद खुलते ही 5 सेकंड बाद नींद और भी गहरी हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप बहुत ही ज़्यादा असफल हो रहे हो तो आप असफल ही हो जाएंगे, आपका दिमाग ये बात स्वीकार लेगा। इसलिए अपने बड़े मकसद को कई छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए, फिर उन छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हुए अपने बड़े मकसद तक पहुंचिए। साइकोलॉजी के अनुसार एक सीधा आदमी अपने सामने वाले इंसान के झूठ व फरेब को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसे सारी दुनिया ही बड़ी हसीन लगती है। इसलिए झूठ पकड़ने वाले इंसान बहुत चंट और चालाक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों ने दूसरों के साथ भी बहुत ही झूठ बोले हुए होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने हालातों से उठकर ऊपर जाने के बजाय बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने हालातों से संतुष्ट हो जाते हैं, वो अपने साथ साथ अपने संतानों को भी उन्हीं हालातों में रहने की सलाह देने लगते हैं। ऐसी स्थिति उनकी पूरी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देती। साइकोलॉजी के अनुसार कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए, और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटें। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो वो सॉरी भी बोल देगा। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप पढ़ाई करते वक्त खुद में आलस महसूस कर रहे हैं तो आप फ्रेश होकर जूते पहनकर फुल यूनिफॉर्म पहनकर मेज और कुर्सी के सेटअप पर पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको नींद और आलस बिल्कुल नहीं आएगी। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप 1 से लेकर 100 तक उल्टा गिनती करें, आंखें बंद करके सीधा लेटकर मन में पढ़े। 2-3 बार ऐसा करने से आपको गहरी नींद आने लगेगी। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्रेम या नफरत करते हैं तो उसे जाहिर भी कर दे, वरना आपको बेचैनी बनी रहेगी, जिससे आपके सोचने की क्षमता पर बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता है और वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको लगता है वास्तव में कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो आप उससे किसी बहाने से छोटी सी लड़ाई करके चुपचाप बस 2 दिनों के लिए मैसेज या कॉल करना बंद करें, और जब मिलने की संभावना हो वहाँ से गायब हो जाए। यही एकमात्र तरीका है खुद की वैल्यू दोबारा उसकी नज़र में लाने का। साइकोलॉजी कहता है कि जिसे आप प्यार करते हैं आप कितनी भी समस्याओं से क्यों ना घिरे हो, उस इंसान की थोड़ी सी आवाज़ भी आपकी समस्याओं को 70% तक कम कर सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप खुद के साथ ज़्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरे के मन की स्थिति को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। साइकोलॉजी कहता है कि प्रोफेशन में काम कर रहे लड़के और लड़की को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसानी दिमाग को हर काम करने की आदत डलवानी पड़ती है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो आपका दिमाग खुद ही वह काम कर लेता है। साइकोलॉजी के अनुसार हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नई झुर्रियाँ विकसित होती है, और ये झुर्रियाँ ही IQ का सही पैमाना है। साइकोलॉजी कहता है कि जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा युद्ध का सैनिकों पर। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों के सपनों में 70% चेहरे पुरुषों के होते हैं, वही महिलाओं के सपनों में महिला और पुरुष दोनों लगभग सामान्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी फैक्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें।